उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षा मित्रों को नमस्कार। मैं सत्यम दुबे, श्री राजूदास महाराज शिक्षा मित्र उत्थान मंच की तरफ से आज दिनांक 27 सितंबर 2021 को आप सभी के समक्ष महत्वपूर्ण ऑडियो प्रेषित कर रहा हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित एवं संरक्षित कराने के लिए अनवरत एक वर्षों से अयोध्या हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत संत शिरोमणि श्री राजूदास जी महाराज के नेतृत्व में हमारी टीम एक सही दिशा में दिन रात एक करके अथक प्रयास करती चली आ रही है। साथियों, एक समय था कि जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए कोई बोलने वाला नहीं था, सरकार से लेके केंद्र तक किसी भी विधायक मंत्री की हिम्मत नहीं होती थी कि शिक्षा मित्र का नाम ले ले। उस समय जब महाराज जी को यह बात पता चली तो महाराज जी खुलकर आपके लिए सामने आए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के ही लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम महायज्ञ, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होना है और अयोध्या की धरती से ही होना है, जिसका डेट 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक फिक्स हो गया है। ऐसे में साथियों, हमारे पास समय बहुत कम है, तैयारियां बहुत ज़्यादा करनी है। इसी क्रम में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी के द्वारा एक ऑडियो प्रेषित किया गया, जिसमें उन्होंने 1100 रुपये का एक निश्चित राशि रख दिया, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में एक घमासान सा मच गया। और जो लोग हमेशा इस मंच को दबाने गिराने की तलाश में रहते थे, उनको एक मौका मिला कि कहाँ से कोई मौका मिले, एक मौका मिल जाए कि इस मंच को किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, इनको जलील कर दिया जाए, जिससे हम लोगों को पुनः उभरने का मौका मिले, हम फिर अपने दुकान को चलाने में कामयाब हों। तो साथियों, मैं आप सभी से पहले कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के किसी भी शिक्षा मित्र के ऊपर कोई दबाव नहीं है। सभी हमारे जिला अध्यक्ष, सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, रविंद्र सिंह जी ने उस रूपरेखा को देखते हुए अपनी बात को रखा है सबके सामने। यहाँ किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है, जो जिसकी हिम्मत होगी वो देगा, क्योंकि कार्यक्रम महायज्ञ का है और ऐसे शुभ कार्यक्रम में हम किसी का गला दबा के उससे सहयोग नहीं करा सकते। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, और यह आपको भी देखना है कि यह आपके लिए आखिरी, अंतिम और निर्णायक लड़ाई होने जा रही है। और जो लोग आदरणीय रविंद्र सिंह जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब आप लोगों ने कोर्ट के नाम पर, तमाम धरनों के नाम पर आप लोगों ने 1000, 2000, 3000 रुपए घर से वसूल कर ले जाने का काम किया, उस समय आप लोगों से उत्तर प्रदेश के किसी शिक्षा मित्र ने हिसाब नहीं मांगा। और आज जब आप लोगों को लगने लगे कि हाँ, कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के भविष्य का निर्धारण इसी महायज्ञ से होने जा रहा है, तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिला, तो इसमें ही व्यवधान आपने उत्पन्न करने का एक नया रास्ता खोज निकाला। तो मैं उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों से कहना चाहता हूँ, साथियों, देखिए, जब भी कोई शुभ कार्य या अच्छा कार्य होता है तो उसमें व्यवधान उत्पन्न होना स्वाभाविक है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना मैं सबसे कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के ऊपर कोई दबाव नहीं है, जो जिसका सामर्थ्य है, क्योंकि साथियों ऐसा है कि कार्यक्रम जो होना है वास्तव में उसकी बहुत ही बड़ी विशाल रूपरेखा है। एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम और एक छोटा सा कार्यक्रम में बहुत अंतर होता है। जब कोई अपने घर पे एक छोटा सा एक हवन करता है तो उसमें कितना खर्चा आता है वो अपने अंतरात्मा से खुद पूछ कर देखें कि हाँ, कितना खर्चा आता है। और जो लोग हमसे खुद फ़ोन करके कह रहे हैं कि भैया, हम अयोध्या के बारे में अनजान है, हमको रुकने, रहने, खाने की भी व्यवस्था करा दीजिएगा, तो उसको भी देखते हुए, और जब एक छोटा सा मंच होता तो काम चल जाता। सभी साथी जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मंच पर किसी भी नेता ने आने की हिम्मत तक नहीं दिखाई, और पहली बार ऐसा हुआ कि अयोध्या के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मंच पर आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह जी,
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, उनका कार्यक्रम में आना पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। साथियों, अभी एक तो ये छोटा सा एक कार्यक्रम था, हम लोग कहते कम है करते थोड़ा अपने हिसाब से, सुनते सबकी हैं करते अपने हिसाब से हैं, इसलिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो होने जा रहा है उसके बारे में आप भी कल्पना नहीं किए हैं। लोग तो उंगलियां उठाएंगे, क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित एवं संरक्षित होने से कोई रोक नहीं सकता। अभी तो हमारे मंच पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी आए हैं, 5 दिन का महायज्ञ का कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम में कितने बड़े बड़े चेहरे उतरने जा रहे हैं इसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते, और मैं अभी बताना उचित भी नहीं समझूंगा, क्योंकि कार्यक्रम को उस लेवल को पहले हमको बनाना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथियों, जब भी कोई बड़ा चेहरा आपके मंच पे आएगा तो उसके लिए उसी हिसाब से उसको व्यवस्था देनी होगी, उसी हिसाब से उसको प्रोटोकॉल देना होगा, उसी हिसाब से उसको सम्मान देना होगा, उसी हिसाब से वहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी होगी, महिलाएं आएंगी उनकी रुकने रहने की व्यवस्था, सब कुछ सेपरेट होना चाहिए। 5 दिन का कार्यक्रम है, पुरुष तो कहीं भी रह लेगा, तो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी हमारे ही टीम के ऊपर है, ना कि किसी और की टीम के ऊपर है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए रवीन जी ने अपना आइडियो वायरल किया, फिर भी मैं उसके बाद भी कह रहा हूँ कि किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, उत्तर प्रदेश का हर एक शिक्षा मित्र अपनी स्वेच्छा से उसकी जो सामर्थ्य है उसी हिसाब से सहयोग करे हमारे सभी जिलाध्यक्षों का, क्योंकि आप कार्यक्रम की रूपरेखा भी जानते हैं, समझते हैं, आपसे कोई दबाव नहीं, आप जो समझते हो उचित वही करें। हाँ, रविंद्र सिंह जी ने जो एक फिक्स अमाउंट कर दिया वो सभी के लिए नहीं है, वो सभी शिक्षा मित्रों के लिए नहीं है, क्योंकि सभी की औकात उतनी नहीं है, सब परेशान हैं, पीड़ित हैं, यह बात हम भी समझते हैं। ये उन लोगों के लिए है कि जो वास्तव में सामर्थ्य रखते हैं, जो सक्षम हैं, वो कर सकते हैं, तो उनके माध्यम से आपके अन्य शिक्षा मित्रों का भी भला हो सकता है। तो प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों से मैं पुनः कहना चाहता हूँ, हमारी बहुत व्यस्तता है, और उस व्यस्तता में हमारी माताजी का भी तबीयत थोड़ा गड़बड़ है, मेरे पास समय बहुत कम है, और इसी समय कम के अभाव में मैं जो है कम समय में ही अपनी आइडियो प्रेषित कर रहा हूँ। हमारी आप भावनाओं को समझिएगा, बातों में क्या रखा है, आपके लिए जो होने जा रहा है वो वास्तव में एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है जिसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साथियों हम और हमारी टीम का एक मात्र उद्देश्य है कि अपनी गोपनीयता को बनाते हुए अपने कार्य को आगे ले जाना। बाकी आप सभी बिल्कुल निश्चिंत रहें, यह एक आखिरी अंतिम निर्णायक यज्ञ होने जा रहा है, और इसी यज्ञ में आपका भला होने जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों से, सभी ब्लॉक अध्यक्षों से पुनः कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग एकदम तन्मयता के साथ लग जाइए पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में, पूरे ब्लॉक में, और जो हमारे अन्य संगठन हैं आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन यह है कि आप समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन समर्थन दिल से दीजिए, दिमाग से नहीं, और हमको आपका समर्थन स्वीकार है, आपका सहयोग भी चाहिए, आपका साथ भी चाहिए। बाकी हमारे प्रदेश के सभी हमारे जिला अध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष अपने